नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर्व के बारे में कि रक्षाबंधन का पर्व इस बार कब मनाया जाएगा, रक्षाबंधन का त्यौहार इस बार किस तिथि को मनाया जाएगा, किस दिन मनाया जाएगा, रक्षाबंधन पर्व के दिन रक्षा सूत्र एक बहन को अपने भाई की कलाई में किस समय बांधना अति उत्तम रहेगा, कौन सा मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मित्रों, रक्षाबंधन मुहूर्त के बारे में इस वर्ष 2022 में 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन है या फिर 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन है, इन बातों को लेकर, भद्रा को लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो आपके कंफ्यूजन जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको एक ऐसा मुहूर्त दूंगा जिसमें ना ही तो भद्रा है और ना ही राहु काल अड़ेगा। मित्रों, वह मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो ये मुहूर्त कौन सा होगा, कब होगा, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करना। मित्रों, बात करते हैं रक्षाबंधन के पर्व के बारे में, रक्षाबंधन मुहूर्त के बारे में। मित्रों, रक्षाबंधन का पर्व जो है श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को आता है और हमारे सनातन धर्म में हर कोई कार्य, हर पर्व शुभ मुहूर्त में किया जाता है, यहाँ तक कि खरीदी भी शुभ मुहूर्त में की जाती है। तो मित्रों, बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो शुभ मुहूर्त जो है इस बार 11 अगस्त 2022 को है या फिर 12 अगस्त 2022 को है। मित्रों, 11 अगस्त 2022 को पूर्णिमा तिथि जो है, पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन का पर्व होता है और पूर्णिमा प्रारंभ होगी, उसके साथ साथ भद्रा भी प्रारंभ हो रही है। और भद्रा शनि देव की बहन है, यमराज की बहन है, सूर्य देव की पुत्री है भद्रा। और भद्रा को एक काम दिया गया है कि किसी भी शुभ कार्य में वो विघ्न डाल सकती है। मित्रों, भगवान गणेश जो है वो विघ्न हरने वाले हैं और भद्रा जो है वो कार्य में विघ्न डालने का काम करती है। और जिस दिन भद्रा होती है उस दिन हमें कभी भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब कौन सी भद्रा शुभ होती है, कौन सी भद्रा अशुभ होती है, ये आप जानना चाहते हैं तो नीचे विवरण में लिंक दिया गया है, इसके बारे में वीडियो हमने बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं इस दिन यानी 11 अगस्त 2022 को चतुर्दशी तिथि रहेगी 10:39 तक, और चतुर्दशी तिथि में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। तो 11 अगस्त को सुबह 10:39 तक हमें राखी नहीं बांधनी है या बंधवानी है। इसके बाद मित्रों, बात करें कि पूर्णिमा तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 10:40 गुरुवार को, 11 अगस्त 2022 के दिन पूर्णिमा सुबह 10:40 से प्रारंभ होगी और अगले दिन शुक्रवार को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। अब मित्रों, इस दिन यानी 10:40 को पूर्णिमा के साथ साथ भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। भद्रा के प्रारंभ में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, भद्रा के अंत में शुभ कार्य कर सकते हैं। और मित्रों, भद्रा जो है यदि स्वर्ग लोक वासिनी होती है तो उसमें शुभ कार्य नहीं किया जाता है। पाताल लोक या पृथ्वी लोक पर भद्रा होती है तो उसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा आता है कि श्रावण मास का और फाल्गुन मास का जो त्यौहार है वो भद्रा में नहीं मनाया जाता है। जैसे कि होलिका दहन फाल्गुन मास में होता है तो भद्रा में होलिका दहन नहीं होता है, और श्रावण मास में रक्षाबंधन का त्यौहार ये भी भद्रा में नहीं मनाया जाता है। तो मित्रों, जब तक भद्रा है तब तक रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। यानी भद्रा रहेगी 10:39 से भद्रा प्रारंभ होगी जो शाम को 8:52 तक भद्रा रहेगी 11 अगस्त 2022 को। और मित्रों, बात करें कि चतुर्दशी तिथि यानी सुबह में हमें रक्षाबंधन नहीं मनाना है और उसके बाद में भद्रा रहेगी 8:52 तक 11 अगस्त 2022 के दिन, तो इस समय में भी हमें रक्षा सूत्र नहीं बनवाना है। इसके बाद
8:53 से 9:50 तक आप आराम से, ये एक घंटे का मुहूर्त है, इसमें नहीं तो राहु काल है और नहीं कोई रोग का या काल का चौगड़िया है, ये प्रदोष काल कहलाता है। और प्रदोष काल जो है बहुत ही शुभ मुहूर्त रहता है। यहाँ पर भद्रा भी समाप्त हो जाती है, तो 11 अगस्त 2022 के दिन ये मुहूर्त जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय आप अपनी बहनों से रक्षा सूत्र बंधवा सकते हैं या बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांध सकती है। तो ये मुहूर्त जो है आप नोट कर लीजिए, 8:53 से रात्रि का मुहूर्त है, 8:53 से 9:50 तक का ये मुहूर्त, एक लगभग एक घंटे का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप रक्षा सूत्र बांधे तो ये मुहूर्त जो है बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है, उत्तम मुहूर्त है। ये मुहूर्त में आप रक्षा सूत्र बांधिए, रक्षा बंधन का पर्व जो है वो मनाइए। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।